गोवर्धन योगी सरकार की अवैध पार्किंग स्थलों और अवैध वाहन स्टैंड पर सख्त कार्यवाही चल रही है। इसके अंतर्गत अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग स्थलों को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की कार्यवाही का असर देखने को नहीं मिल रहा। धार्मिक तीर्थ नगरी गोवर्धन में एक और जहां पुलिस प्रशासन ने एकता तिराहे पर अवैध पार्किंग और ई रिक्शा स्टैंड पर कार्यवाही करते हुए पार्किंग स्थल को बंद करा दिया और अवैध ही रिक्शा स्टैंड को हटा दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही इसके उलट नज़ारा देखने को मिला जब कुछ ही रिक्शा चालकों ने थाने के बगल में ही अपने ई रिक्शा पार्क करना शुरू कर दिया। यही नहीं, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने भी अपनी गाड़ियों को थाने के मुख्य गेट पर ही पार्क कर दिया। ऐसे में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सफलता पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन ऐसे ही रिक्शा चालकों और थाने के ही मुख्य द्वार पर कार पार्किंग करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है, या ऐसी अव्यवस्थाएं इसी प्रकार जारी रहेगी। रिपोर्टर तेजस शर्मा, गोवर्धन से खास रिपोर्ट।